मेरी लाइफ एक ही लाइन पे डिपेंड है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही जीना चाहिए। अभी मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और ये यहीं पे सिर्फ बैठा ही है, कुछ कर नहीं रहा है, एंजॉय करने के लिए आया है। तो फाइनली गाइस अभी सूरत आ चुका है और ये रही मेरी ब्लैक ब्यूटी, अपने घर से निकल रहे हैं। तो चलो आज तो आज कार से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। तो गाइस अभी घर से निकला हूँ रेडी होके, माइंड बहुत ही डिस्टर्ब था कल रात से, मतलब कल रात को मैंने सोने में भी लेट कर दी और अभी टाइम हो रहा 11 बजने वाले, तो मैंने चेतन को कॉल किया है। आज उनके ऑफिस पे जाएंगे और वहीं पे बैठ के बैठेंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, व्लॉग एडिट करेंगे, क्योंकि अपने व्लॉग 10 पेंडिंग हो चुके हैं, तो अब तो व्लॉग एडिट करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए हम शेड्यूल पे लाते हैं और फिर डेली का व्लॉग डेली अपलोड करके ही सोएंगे अब तो। ओके, तो अभी 2-3 दिन में व्लॉग एडिट कर देते हैं सब और अपलोड भी कर देते हैं और लाइव रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलो सबसे फिलहाल चेतन के ऑफिस पे चलते हैं और वहीं पे बैठ के व्लॉग एडिट करते हैं। अभी हम चेतन पटेल के ऑफिस पे आ तो गए हैं, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, कौन कौन है ऑफिस पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। तो गाइज अभी हम ऑफिस से निकल चुके हैं, यस, क्योंकि आज हम माइंड पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही थी, तो अभी हम चलते हैं कहीं। मतलब पॉजिटिव मतलब के थोड़ा माइंड क्या ना सैड नहीं है, सैटिस्फाई नहीं है, वही और जो वो क्या बोल रहे हो, हमारे पे किसी ने बोझ रख दिया ना, ऐसे फीलिंग आ रही है। आप समझ लेना हम क्या कहना चाहते हैं। ओके, आप बहुत समझ जा रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं मतलब क्या घर से आ रहा था ना, तब मेरे माइंड में एक थॉट्स आया, तो वो थॉट्स ऐसा था कि अगर कोई भी इंसान लाइफ में उसके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर उसको संतोष ना हो ना, तो वो लाइफ में दुखी ही दुखी होता है। वो तो है, सही बात है। और अगर किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसके पास संतोष हो ना, मतलब संतोष यानी कि अंदर से सेटिस्फाई हो ना, तृप्त हो ना, तो वो लाइफ में मतलब क्या वो सुखी ही सुखी है, ऐसा मेरा माइंड में थॉट्स आया था आज। ऐसा है। हाँ, लेकिन जो पैसे वाला है उसको भी टेंशन है, जो ना पैसे वाला है उसको भी टेंशन है, टेंशन तो सभी को है। हाँ, तो इसमें से वो क्या बोलते हैं, वो मतलब टेंशन वाला जो वक्त होता है ना, उससे निकलना पड़ता है बाहर। ओके, तो टेंशन मत लेना, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो जाए टेंशन मत लेना। मतलब क्या ऐसा है ना, लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है ना, संतोष रखना चाहिए हर इंसान को। मतलब संतोष के साथ साथ मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हम अपनी लाइफ जैसी जी रहे हैं वैसी है। अपने लाइफ में ग्रोथ भी करना चाहिए, हमें आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अंदर से मतलब कि अंदर से हमें थोड़ी सी तृप्ति भी होनी चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो मतलब कि परफेक्ट कर रहा हूँ, और शांति भी हमें मिलनी चाहिए। ओके, ऐसा है, लेकिन क्या है ना, आगे भी बढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी अंदर से तृप्ति भी रखनी है, संतोष भी रखना है, तो लाइफ हम अच्छे तरह जी सकते हैं। मतलब के क्या, हाँ उसको क्या बोलते हैं, बिना बोझ के जी सकते हैं, ऐसा है। मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेना कल की जो मैंने डाली थी, तो गाइस ये रही लाइन इंस्टाग्राम स्टोरी, आप देख सकते हो ये वाली। मेरी लाइफ एक ही लाइन पे डिपेंड है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही जीना चाहिए, तो लाइफ बेस्ट होती है। ओके, यस, तो चलो अभी हम जा रहे हैं चिखली। अभी हम चिखली पहुंच गए NH 48 पे गाइस, अभी यहाँ पे चलते हैं कहवे कैफे में और यहाँ पे माइंड फ्रेश करते हैं। ओके, और बैठेंगे यहाँ पे, जो बैठने की जो यहाँ की वाइब है ना, नेक्स्ट लेवल है। ओके, तो गाइस ये कॉफ़ी आ चुकी है, तो अभी मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और ये यहीं पे सिर्फ बैठा ही है, कुछ कर नहीं रहा है, एंजॉय करने के लिए आया है। और लेमन टी ऑर्डर किया इसने, मैं कॉफ़ी ऐसा ज़्यादा पीता नहीं हूँ, मैं टी पीता हूँ, ब्लैक टी या फिर लेमन टी, ऐसा मेरे को चलता है। ये लेमन टी ना? हाँ, लेमन टी ऑर्डर किया ना तूने? हाँ। अभी हम कैफे से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ही भूख लगी है हमें, और ये चेतन ने कुछ सुबह से खाया नहीं है कुछ भी, चेतन को भूख लग गई, तो
जय स्वाडीज में जाना है खाने के लिए। अभी रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? ओके अभी ओ अभी ठीक है। तो चेतन को खाना खाना है। यस जय स्वाडीज में देखते हैं। अभी टाइम तो बहुत ही लेट हो चुका है। अभी मेरा चिखली में जय स्वाडीज फेवरेट फेवरेट है। अभी टाइम कितना हुआ? चाबी किधर गई? वे कार बहुत ही हीट हो गई है, गर्म हो गई है। काफी टाइम से बैठे थे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे पार्क कर दिए। तो जय स्वाडीज में चलते हैं खाना खाने के लिए। फाइनली हमें खाना मिल गया, क्योंकि मुझे लगा था कि क्लोज ही हो गया होगा ये जय स्वाडीज। तो चलो खाते हैं। खाना हो चुका है। Yes. तो अभी हम जा रहे हैं खैरगांव, मतलब चेतन को भी ऑफिस पे जाना है और मुझे भी थोड़ा ऑफिस पे काम है। तो देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है आज का। अभी कार यहाँ पे वॉश करने के लिए दे दी है। रेडी होके आते हैं, मुझे मीटिंग में जाना है। चलो अभी रेडी होके आते हैं, फ्रेश होके घर पे। मेरा घर यहाँ सामने ही है, तो यहाँ पे कार वॉश करने के लिए दे दिए। फाइनली गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। बहुत ही गर्मी हो रही है मुझे, जल्दी से चलते हैं बाहर। और कार वॉश हो गई होगी, तो चलो ले लेते हैं कार और चलते हैं। बहुत ही लेट हो चुका है, तो मम्मी को भी ड्रॉप करने के लिए जाना है सूरत, तो फंक्शन में जा रहे हैं। एक गाइस अभी कार वॉश हो चुकी है, आप देख सकते हो। चलो तो गाइस ये कार वॉश हो चुकी है, तो चलते हैं अभी, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है मुझे आज। ओ अभी बैग चाबी यहाँ पे रख दे। पेमेंट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। निकल चुके हैं अभी हम सूरत जाने के लिए। मेरी एक मीटिंग है और मम्मी लोगों को एक इवेंट में जाना है, उन लोगों को भी ड्रॉप करना है पापा के पास। तो पापा भी सूरत में ही हैं। देखते हैं अभी कितने बजे पहुंचते हैं। आई थिंक अभी 6:03 हुए हैं। चलो चलते हैं अभी फिलहाल। अभी हम NH 48 पे हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:45, 6:41। तो अभी हम नवसारी पहुँच गए, तो आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ से आई थिंक तकरीबन 50 किलोमीटर होगा सूरत। देखते हैं अभी क्या होता है। सूरत आ चुके हैं और ये रही मेरी ब्लैक ब्यूटी। ये यहाँ पे आए हैं सूरत, पापा के मीटिंग थी यहाँ पे। तो देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। तो गाइज अभी मैं राहुल राज मॉल आया हूँ, तो आप देख सकते हो फ्रेंकी खाने के लिए आया हूँ मैं। मम्मी को पिकअप भी करने के लिए जाना है। तो गाइज ये फ्रेंकी आ चुकी है, तो चलो खाते हैं और फिर मिलते हैं। लिया है तो गाइज अभी सूरत से निकल गए हैं घर की ओर। देखते हैं अभी कितने बजे पहुंचते हैं। डायरेक्ट सीधा NH 48 को टच करेंगे और सीधा घर पे। NH 48 पे आ चुके हैं और ये आप देख सकते हो। तो चलो अभी फिलहाल चलते हैं फटाफट अपने घर पे, क्योंकि बहुत ही नींद आ रही है मुझे। अभी 11 बजने वाले हैं, आई थिंक 12:30 पहुँच जाएंगे शायद। अभी यहाँ से 75 या 80 किलोमीटर है, तो 80 आप ही होगा शायद। तो चलो तो गाइज अभी नवसारी पहुँच गए हैं और देखते हैं सर और काठियावाड़ी ओपन है कि नहीं ओपन है। अभी ऑलमोस्ट क्लोज ही हो चुका है। तो गाइज अभी रेडबुल और सॉइल मस्ती लेके आया हूँ मैं सर और होटल में से। तो रेडबुल पीते हैं और सॉइल मस्ती खाते हैं और फिर जाते हैं अपने घर पे। अभी चिखली पहुंचने वाले हैं, यहाँ से आई थिंक 2 किलोमीटर है चिखली। हाईवे का व्यू नाइट में। तो फाइनली गाइज अभी घर पे आ चुके हैं, तो चलो चलते हैं। अभी ऑफिस पे आ चुका हूँ, तो बहुत ही नींद आ रही है मेरे को। कैसे लेके आया वो मैं ही जानता हूँ, बहुत ही नींद आ रही थी मुझे। फिर तो मैंने नवसारी आके रेडबुल ले लिया और फिर सीधा घर पे। बहुत ही नींद आ रही थी और सर में दर्द हो रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग में जल्दी भी उठना है, तो भी टाइम हो रहा है। 12:15 हो चुके हैं, तो चलो मोॉर्निंग में मेरी 7:45 मीटिंग भी है और मॉर्निंग में जल्दी उठना है मुझे। तो चलो आज इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कॉमेंट एंड शेयर, कीप सपोर्टिंग।